सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय अशोक चव्हाण जी, माननीय संजय निरुपम जी, मंच पर उपस्थित अन्य सज्जनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले यहां उपस्थित सभी मुंबईकरों की ओर से हम सबके नेता राहुल गांधी जी का मुंबई में और एमएमआरडीए ग्राउंड्स में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि कुछ ही क्षणों में हमारे वीर वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी भारत पहुंच रहे हैं। उपस्थित सभी मुंबईकरों की ओर से मैं उनके और उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने में मैं मुंबई कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ताओं का अपने तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम अपने मतभेदों को दूर रखकर साथ में मिलकर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना सफलता से कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की मुंबई से एक बहुत ही गहरा लगाव है, क्योंकि 1885 में इसी मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और 1944 में हम सबके पूर्व युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म इसी मुंबई शहर में हुई। दोस्तों, आज मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ में लेकर एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने जो गठबंधन है, जैसे मेरे भाई संजय निरुपम जी ने कहा कि एक अवसरवादी गठबंधन है। और मैं कहना चाहता हूं, जब मोदी जी हमारे गठबंधन को मिलावटी गठबंधन कहते हैं, मैं मानता हूं कि इनका महाराष्ट्र में जो गठबंधन है ये बनावटी गठबंधन है। शिवसेना निवडणुकीचा काळात मोदी जिंदाबाद घोषणा देते, काँग्रेस मुर्दाबाद, तीच शिवसेना निवडणुकीनंतर काँग्रेस जिंदाबाद मोदी मुर्दाबाद घोषणा देते। ह्याला संधीचे राजकारण म्हणतात, अवसरवादी राजनीति। और दोस्तों, मैंने राहुल जी को भी अभी ये बात कहा और मैं आप सबको याद दिलवाना चाहता हूं कि आज हम हमारे पूर्व युवा प्रधानमंत्री राजीव जी की याद करते हैं, क्योंकि 1985 में जब राजीव जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे और खास करके 1985 के शताब्दी वर्ष पर जब राजीव जी मुंबई आए, उस समय मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने राजीव जी के सामने सभी मुंबईकरों की ओर से और खास करके जरूरतमंद मुंबईकरों की ओर से एक प्रस्ताव रखा कि आम मुंबईकरों को कायम की घर, स्थायी मकान दिया जाना चाहिए। और उस समय राजीव जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से 100 करोड़ का ग्रांट मुंबई महाराष्ट्र सरकार को दी, जिससे लाखों मुंबईकरों को हमने परमानेंट बेसिस पर घर दिलवाया। उसके बाद 20 साल के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले भाइयों बहनों को और पुराने मकानों बिल्डिंग में रहने वाले भाइयों बहनों को 225 स्क्वायर फुट से 300 स्क्वायर फुट घर दिलवाने का उन्होंने निर्णय लिया। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आज लेकिन सभी मुंबईकरों की यही अपेक्षा है, यही आकांक्षा है, यही सपना है कि जब उनका स्लम और उनकी बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट हो, उन्हें न्यूनतम 500 स्क्वायर फुट चटाई क्षेत्र जगह मिलनी चाहिए। और ये प्रस्ताव मैं सभी मुंबईकरों की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले महीनों में जब राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में हम स्थापित करेंगे,
तो राहुल जी जल्द से जल्द ये निर्णय लेकर जरूरतमंद मुंबईकरों को राहत पहुंचाएंगे और उनकी सपना, इनकी अपेक्षा, इनकी आकांक्षा को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और एक बार यहां उपस्थित सभी हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस रैली को एक सफल रैली बनाया, और एक बार आप सभी की ओर से राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।